बरेलवी साहब, नवाज शरीफ साहब दुबई में हैं जहां पर उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि एक रोड मैप प्लान हो चुका है, उस पर एग्जीक्यूशन होनी है। आसिफ अली जरदारी साहब, जिस वक्त आप और मैं और मीर साहब ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त वो भी रवा दवा हैं दुबई की तरफ। क्या देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्तों में क्या नजर आ रहा है सर? आप कह रहे थे ना नवाज शरीफ साहब जद्दा आ रहे हैं, जी जी दुबई आ रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान वो नहीं आएंगे, उनके भाई की हुकूमत है तब नहीं आ रहे। भाई आप यानी आप और कीजिए तो से तो यानी लोग इस तरह आते हैं जिस तरह, मैं वैसे नहीं करना चाहता, बहरहाल वैसे से काबिल एहतराम है, लेकिन आप कुछ तो सवाल नहीं करने वाला होता। यानी आपको पे पत्तियां मान ली है लोगों ने, क्यों नहीं आते? इसका मतलब ये कि उन्हें आज तक यकीन नहीं है कि 18 मई के बाद यानी 14 अगस्त को जब उसकी गवर्नमेंट खत्म होगी तो ये जो नया सेटअप बन रहा है उन्हें वो सब रियायतें देगा जो उनके भाई के दौर में से मिल चुकी हैं। यार एयरपोर्ट तक पे तो इन लोगों को इनको जाके गले में हार पहना के सेनेटर बनाया जाता है और वजीर बनाया जाता है इनके भाइयों को और सबको। नवाज शरीफ साहब का क्या खौफ है? खौफ नहीं है, असल वो ये अभी तक उस एस्टेब्लिशमेंट के जो डटे हुए है ना, अभी तक भूले नहीं 99 की वो जब उनको हथकड़ियां लगा के आया था। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं भाई? जो इस वक्त तो एक पेज पर है ना, सिर्फ एक ही बड़ी पार्टी सिस्टम है जिसके 10,000 लोग जो है इस वक्त जेलों में है, इस वक्त जो है जिनके साथ जो हो रहा है, आपको अब मैं उसकी क्या तफसील में जाऊंगा। सही, उसके बावजूद ना ना अल्लाह ताला, मैं भी काफी माशाल्लाह सीनियर सिटीजन में शामिल हो गया हूँ, मियाँ साहब को अल्लाह बहुत तवील हयाती दे। अभी भी अगर मुल्क को कौन वो नहीं आ रहा है, बल्कि एक दिलचस्प आपको शेर सुना दूँ, मियाँ साहब ने एक जानिब साहब जिंदा थे, मीर साहब उसको इंजॉय करेंगे, वो जब बारिशों में गए तो कहने गए कि बारिश वालों से बाली जान दे दूंगा। हाँ। तो उन्होंने शेर सुनाया, ना जान दे दो ना दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो। बिल्कुल। अच्छा लेकिन लेकिन तो बरेलवी साहब, ठीक ठीक बरेलवी साहब, मुझे सर ये फिर समझाएं जरा कि ये जो रोड मैप की बात हो रही है कि जी अब फाइनल डिसाइड होने जा रहा है कि क्या रोड मैप होगा और किस तरह पाकिस्तान में आमद होगी, आप जो मुझे कह रहे हैं कि जी नहीं आएंगे, ये तो बड़ी सर एक अजीब सी बात है अगर आपका ये तज़िया है कि अब भी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। हमारे ज़राया कह रहे हो कि केयर टेकर सेटअप क्या बनेगा, पाकिस्तान बनाने के तो है नहीं, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक बनाने जा रही है, जो भी है सुना है उसकी तैयारियां काफी हो गई है और मैं इससे ज्यादा बाखबर नहीं हूँ, कराची में रहता हूँ, लेकिन ये मैं आपको जरूर कह दूँ कि कोई एक केयर टेकर सेटअप बनाने की तैयारियां हो रही हैं और 14 अगस्त के बाद वो सेटअप जो है वो निगरा नहीं होगा, क्योंकि निगरा बनाने के लिए बहुत सारे आईनी जो है और कानूनी हिच हैं। ओके। प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आपको पता है कि आईन के तहत वो कर दिया गया है कि जी दोनों वो सूबों के लिए भी ये बात तय हो चुकी है, तो ये किस तरह करेंगे? नहीं तो फिर क्या बनेगा बरेलवी साहब, फिर क्या बनेगा? जनाब एक इंटरनम सेटअप हो सकता है वो 1 साल के लिए हो, अच्छा हो सकता है वो 2 साल के लिए हो, और उसके जवाब मौजूद हैं कि मुल्क में इमरजेंसी है, इकोनॉमिक इमरजेंसी है, मुल्क में सूरत हाल ये है, 10,000 लोग के साथ कैदी हैं।